नमस्कार, सर्वाकाल राइजिंग स्टार के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं भक्ति बिसेन सर्वाकाल म्यूजिक सोसाइटी कैलगिरी की तरफ से आपके समक्ष लेकर आई हूँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे ही उभरते सितारे श्री किशन देवांगन जी को। सर्वाकाल म्यूजिक सोसाइटी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार एवं नव युवा कलाकारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है। आइए हम हमारे आज के कलाकार श्री किशन देवांगन जी के विषय में और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपके पिताजी से आपको मिली है, जो कि एक लोक भजन गायक रहे हैं। इस माहौल में शास्त्रीय संगीत के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी? जी, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों ही लोक भजन गायक थे, भक्ति संगीत करते थे। उन्होंने कोई शास्त्रीय संगीत की ऐसे विधिवत तालीम नहीं ली थी, पर मेरे पिताजी को शास्त्रीय संगीत सुनना बहुत पसंद था और वो घर में रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से शास्त्रीय संगीत सुनते थे। तो इसी क्रम में शास्त्रीय संगीत मेरे भी कानों पे पड़ी और वो जो शास्त्रीय संगीत जब मैं सुनता था तो वो हमारे लोक संगीत से कुछ अलग सुनाई पड़ता था, कुछ अलग ही अनुभव होता था शास्त्रीय संगीत को सुन के। तो इस तरह से मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि ये किस तरह का संगीत है, इसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हम जानते हैं कि आपने अकादमिक शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा दोनों में ही विधिवत रूप से अपना शिक्षण किया है। आप इन दोनों शिक्षण पद्धतियों को किस प्रकार से देखते हैं? आपके विचार में दोनों शिक्षण पद्धतियों का क्या महत्व है? पुराने समय से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है, जहाँ शिष्य अपने गुरु के पास रह के उनकी सेवा करते थे और संगीत सीखते थे। पर समय बदलने के साथ साथ में संगीत की शिक्षा में भी कुछ बदलाव आए और संस्थाओं में भी संगीत सिखाया जाने लगा। संस्थाओं में संगीत के सिखाया जाने से यह हुआ कि संगीत की शिक्षा आम जन तक पहुँच पाई। मेरा अगला सवाल आपसे आपके रियाज एवं तालीम के विषय में है। आपके गुरु से प्राप्त तालीम एवं रियाज के विषय में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, रियाज सभी करते हैं, पर गुरु के सानिध्य में रह के, उनकी देखरेख में रह के रियाज करना अलग होता है। जब मैंने संगीत सीखना शुरू किया तो मैं अपने गुरु जी के पास सुबह 4 बजे जाता था। गुरु जी सामने बैठते थे, मुझे अपने सामने बिठा के और सबसे पहले आधे घंटे एक घंटे तक ओमकार की साधना करवाते थे, जिसमें वो ओमकार लगवाते थे, फिर धीरे धीरे खर्ज का रियाज करवाते थे। खर्ज का रियाज करने के पश्चात में कुछ अपने घराने के कुछ विशेष पलटे हैं, उनका रियाज हम लोग करते थे। फिर उसके बाद में कोई एक राग लेके उसकी तालीम शुरू होती थी। जैसे हर घराने का, आपने जैसे अभी बताया कि हर घराने का अपना एक अलग पलटा, अपना एक अलग रियाज होता है, तो अगर आप उसका कुछ अंश हमारे दर्शकों को बता पाए या गाकर सुना पाए। जी, एक्चुअली हमारा सबसे पहला जो सुबह का रियाज होता था उसमें मींड का रियाज करवाया जाता था। गुरु जी हमें मींड का अभ्यास करवाते थे, जिसमें कि सा इस तरह से मींड का अभ्यास करवाते थे। फिर उसके बाद में कुछ पलटे करवाते थे, जिसमें से सा रे गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा इस तरह के सपाट पलटे भी करवाते थे। आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि संगीत जगत में किन ख्याति प्राप्त कलाकारों से आप प्रभावित हुए हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 4-5 साल का था, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पिताजी को शास्त्रीय संगीत सुनने का बहुत शौक था, तो मेरे पिताजी पंडित भीमसेन जोशी जी को सुना करते थे। तो मेरे कानों में सबसे पहली आवाज़ अगर किसी शास्त्रीय गायक की पड़ी तो वो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं। जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती गई और भी लोगों को सुनने लगे, समझने लगे, उनकी बारीकियों को, उनकी गायकी की चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगे, जिसमें
मैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जी को सुनता था, किशोरी अमोनकर जी को मैंने बहुत सुना, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद आमिर खान साहब, इन सबको मैंने सुना और इनका कहीं ना कहीं मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एक गुरु का सानिध्य प्राप्त करना आपके विचार में कितना महत्वपूर्ण है? शास्त्रीय संगीत की शिक्षा में गुरु का बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु कहा जाता है ज्ञान के सागर हैं, हम उनके पास रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तालीम के अलावा गुरु हमारी कमियों के बारे में हमें बताते हैं, हमारी कमियों को दूर करते हैं और हमें संगीत में क्या करना चाहिए और क्या करने से हमारा अच्छा होगा, कैसे हमारा विकास हो, इस बारे में हमें अवगत कराते हैं। इस हिसाब से संगीत की शिक्षा में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुति के पूर्व मैं आप सभी के समक्ष हमारे आज के कलाकार की सांगीतिक यात्रा पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी। आपका जन्म छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले राज्य में हुआ है। मूलतः आप एक कृषक परिवार से आते थे, परंतु आपके दादाजी एवं पिताजी दोनों ही संगीत में काफ़ी रुचि रखते थे। आपके पिता स्वर्गीय श्री सुरेश देवांगन जी स्वयं ही एक प्रसिद्ध लोक भजन गायक थे, जिनसे आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। अतः पिताजी के सानिध्य में रहकर आपके मन में जो संगीत को जानने और समझने की रुचि उत्पन्न हुई वो आज तक बढ़ती ही जा रही है। तत्पश्चात आपने अपनी अकादमिक शिक्षा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर डॉक्टर वीणा विश्वरूप एवं प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता भाले जी के मार्गदर्शन में पूर्ण की। आपने अकादमिक शिक्षा के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अपना शिक्षण ग्वालियर घराने के सुप्रसिद्ध गायक, शिक्षक एवं संगीत शास्त्रकार पंडित सतीश लक्ष्मण राव इंदुरकर जी से प्रारंभ रखा। संगीत सीखने में गहन रुचि होने के कारण आपने अपने संगीत सीखने की यात्रा को जारी रखा। आगे की शिक्षा आपने डॉक्टर गंगूबाई हंगल गुरुकुल हुबली कर्नाटक में किराना घराने के सुप्रसिद्ध गायक गुरु केवल कुमार गुरव जी से पूर्ण की। आप छत्तीसगढ़ प्रांत के युवा प्रतिनिधि कलाकारों में सम्मिलित हैं एवं साथ ही साथ आप आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के नियमित कलाकारों में से एक हैं। वर्तमान समय में आप स्वतंत्र रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां एवं प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आज की प्रस्तुति में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री रामचंद्र सर्पे जी, जो कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में संगतकार के पद पर पदस्थ हैं, साथ ही दूरदर्शन एवं रेडियो के नियमित कलाकारों में से एक हैं। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री अमित सूर्यवंशी जी, जो कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं। आपके साथ तानपुरे पर संगत कर रहे हैं कुमारी सृष्टि बाला एवं कुमारी सरला साहू, जो कि विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी हैं। प्रस्तुति हेतु मैं आप सभी के समक्ष हमारे आज के कलाकार श्री किशन देवांगन जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, आप सभी संगीत रसिकों और कला साधकों का स्वागत है। आज की प्रस्तुति मैं राग मियाँ की तोड़ी से कर रहा हूँ, जिसमें विलंबित लय की रचना एक ताल की है। तत्पश्चात द्रुत एक ताल में मैं छोटी बंदिश यानी छोटा ख्याल प्रस्तुत करूँगा। तत्पश्चात अपने कार्यक्रम का समापन मैं राग मिश्र मांड की एक ठुमरी के साथ करूँगा। Re.
Da-da.
Yeah.
मेरो मन या आ
करे रे मेरो मन मन Ah.
Ah
की गर्जनवा आई रे तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर्जनवा तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे मोरानी पावे उलट परूंगी तोरी दा तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे मोरानी पावे उलट परूंगी तोरी दा तोरे तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर्जनवा तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे मोरानी पावे उलट करूंगी तोरी दा तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर्जनवा तोरे मिलन की गर्जनवा तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की तोरे मिलन की गर्जनवा आई रे आई
तोरे मिलन की गर जनवा आई रे मोरानी पावे उलट परुंगी तोरी धा तोरे मिलन की गर जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर जनवा तोरे मिलन की गर जनवा तोरे मिलन की गर जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर जनवा आई रे मोरानी पावे उलट परुंगी तोरी था तोरे मिलन की गर जनवा आई रे आई रे आई रे तोरे मिलन की गर जनवा तोरे मिलन की गर जनवा तोरे मिलन की गर Yeah.
ऋतु जा री निस दिन तर से नैन हमारे निस दिन तर से नैन हमारे ऋतु ऋतु जाए रे निस दिन तर से नैन हमारे मैं तो रही दरजवाने ठाड़ी मैं तो रही दरजवाने ठाड़ी हमारे देश जाय बसे किस देश मलमावा जाय बसे किस कब आओगे सावरे कब आओगे सावरे तुम रो कैसो भेज जाय बसे किस दे धन्यवाद। सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी कैलगरी के सभी सदस्यों को मेरा धन्यवाद और आभार, साथ ही मेरे सभी संगतकार
जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।